कुछ लोग है इधर तो वो मेरे को देख रहे। तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी का सीन कुछ ऐसा है, ये वाले व्लॉग में मैं आपको हमारा पूरा मतलब गांव दिखाने वाला हूँ। मैं जिधर रहता हूँ उधर पूरा क्या क्या कुछ सीन रहता है वो सब कुछ मैं दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये हमारा जो पूरी वाड़ी है मतलब पूरा खेत है वो मैं सब कुछ दिखाने वाला हूँ। हम लोग हमारे मराठी में उसको वाड़ी बोलते, तो हिंदी में अपना खेत बोलते। तो उधर वो सब कुछ मैं आपको हमारा खेत पूरा दिखाने वाला हूँ। हमारे घर के पीछे के साइड से पूरा खेत स्टार्ट हो जाता है, मतलब आप लोग देख सकते हो जिधर तक नजर जाएगी उधर तक खेत ही खेत है। तो जल्दी से इधर से हम लोग कूदते, इधर जैसे मैं बैठा हूँ तो इधर से कूद के हम लोग जाने वाले है। तो जल्दी से निकलते और पूरा सीन आपको दिखाता हूँ। हमारी वाड़ी, मराठी में वाड़ी और हिंदी में अपना ये खेत, तो चलो चलते। हाँ सो फ्रेंड्स, अभी मैं इधर हमारे बाग के अंदर मतलब खेत के अंदर आ चुका हूँ और आप लोग देख सकते हो कितनी इधर ग्रीनरी है। और अभी हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं और आपको मैं पूरा सीन दिखाता हूँ। और मैं गिरने वाला था इधर, तो मैं पूरे मेन बीचों बीच आ चुका हूँ, देख सकते हो ऐसा लग रहा है मैं जंगल में आ चुका हूँ। थोड़ा सा आगे चलते हैं और आपको दिखाता हूँ। यू कैन सी गाइस देयर सब बनाना के ट्रीज, बनाना ट्रीज, ये हम लोग इसको टेगर बोलते हैं, टेगरी के झाड़। और ये ऐसे बंद रहते हैं, हम लोग निकाल के बेचते हैं सब लोग। और इधर वो गोंडा कहते हैं उसको, गोंडा हम लोग में मराठी में, और हिंदी में क्या कहते हैं मेरे को नहीं मालूम। फ्रेंड्स अगर आपको मालूम होगा तो कमेंट करके जरूर से बताना। और चलो अभी आपको मैं इधर के पूरे सिनेमैटिक और जो भी कुछ बी रोल्स वो रहते वो शूट करते और आपको दिखाता हूँ मैं। आप लोग सुन सकते हो मतलब फुल गांव जैसे आपको इधर फील आने वाले मस्त। फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा हमारा ये पूरा बाग यानी कि खेत कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। और मैं उधर भी जाके थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। अरे कोको को करे जा रहे, मेरे को बोलने ही नहीं दे रहा कब से। तो अभी उस साइड थोड़ा सा चलते हैं जिधर मैं पहले थोड़ी देर पहले खड़ा था वो सीन आपको दिखाता हूँ। और इधर का आप लोग सीन देखो, पूरे इधर जो मैंने गोंडा बोला उसके ही प्लांट से उसके ही झाड़े आप लोग यू कैन सी। और ये सन देखो गाइस इधर, और ये देखो क्या फील आ रहा है इधर से। और इधर मस्त आप लोग बैठ सकते हो, ये देखो जैसे कि अभी मैं इधर बैठ गया हूँ आराम से और आपसे बात कर रहा हूँ और मतलब मैं शूट कर रहा हूँ ना। सब लोग जैसे कि कुछ लोग है इधर तो वो मेरे को देख रहे कि ये क्या कर रहा है। तो ऐसा ही है सीन। और मैं आज आपको पूरा हमारा मतलब जिधर मैं रहता हूँ वो पूरा सीन पूरा दिखाने वाला, सब कुछ दिखाने वाला। और मैं पूरे झाड़ियों में घुस चुका हूँ गाइस, मैन वहाँ से वाइल्ड खेल रहा हूँ। अभी मैं झाड़ी के ऊपर पर चढ़ जाऊँगा तो नहीं आ जाएगा ना। मेरे को लगा सांप आ जाएगा, तो थोड़ा सा इस साइड भी चलते लेकिन सी। और आज ज़्यादा लोग भी इधर नहीं है, थोड़े से एक दो ही बस। देखो उस साइड है, उस साइड आवाज़ें आ रहे हैं मेरे को। सो फ्रेंड्स मैं आपको इधर दिखाता हूँ जो चिक्कू रहता है उसका भी प्लांट है इधर उस साइड
से, मैं देखता हूँ किधर से जाने को मिलता है मेरे को। तो कोपचे से मैं निकल गया इस साइड से, तो आपको दिखाता हूँ कितना मस्त है ये देखो। और चिक्कू लगे भी इधर, यू कैन सी कितना मस्त है। और ये इधर से अपना घर भी दिख रहा है उस साइड से। तो और मतलब इतने इधर झाड़ियां उग गई है ना नीचे, चलने को ज्यादा हो नहीं रहा, लेकिन मजा तगड़ा वाला आ रहा है फ्रेंड। और मैं ऐसे इधर इस वाड़ी में घुस गया, भी किसकी वाड़ी है पता नहीं मेरे को, ये मतलब खेत है। और साहब जब आ गया ना गाइस, तो हमारी लग गई वाट। फ्रेंड्स अभी मैं इधर बैठ चुका हूँ हमारे खेत में आराम से, और इतनी मस्त वाइब आ रही है ना, गर्मी का सीजन है और इधर मस्त ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, मतलब धीरे धीरे से, और बहुत ही मजा भी आ रहा है, ऐसा लग रहा है मैं हेवन में आ चुका हूँ। और आप भी ऐसा फील जरूर से लेना गाइस, अगर हमारे इधर हमारे साइड आते हो तो आओगे तो आना हमारे वाड़ी में, मस्त आपको घुमाऊंगा मैं। बस मैं इधर बैठा हूँ थोड़ी देर, और दूसरा भी आपको दिखाना है क्या है। इधर का तो कवर हो चुका है अपना, अभी इधर मैं बैठा हूँ थोड़ी देर बस। ये देखो आराम से फुल गाउठी, मतलब फुल देसी स्टाइल में। दूसरी मतलब दूसरी जगह पे हमारे इधर बहुत सारी, मतलब शाम को ना फिश मार्केट भी लगता है छोटा सा, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसा क्या रहता है। सो फ्रेंड्स हमारा इधर का पूरा शूट कम्प्लीट हो चुका है, ट्राइपॉड मैंने क्लोज करके रख दिया क्योंकि अभी जाने का है घर पे। और दूसरा सीन दिखा तो हमारे इधर क्या क्या सब कुछ है, तो इधर से हमको जंप मार के जाना पड़ेगा, तो जंप मार के चलते हैं जल्दी से। और इधर से कोई होगा तो मैं ट्राइपॉड पास करवा देता हूँ। ए नील, तो फ्रेंड्स इधर नील है हमारा, तो उसके पास मैं ट्राइपॉड दे देता हूँ बाबा, और मैं जल्दी से निकल देता हूँ। नील ट्राइपॉड पकड़। मैं फ्रेंड्स फोन के साथ ट्राई कर रहा हूँ कि कूदी मार के चला जाओ, देखो कितना हाइट है गाइस। तो ट्राई करते हैं, 1 2 3। ए बाप रे। तो फ्रेंड्स मैं गिरने वाला था, मैं काम करता हूँ एक सेकेंड ना गाइस, 1 2 3। तो फ्रेंड्स हमारा मिशन कंप्लीट, फोन के साथ में आ चुका हूँ ऊपर, और ये देखो गंदगी लग गई रे बाबा। और अभी चलते, बहुत थक गया, अभी गिरने वाला था मैं पूरा का पूरा नीचे चला जा। यस फ्रेंड्स है मेरे को शूट करते करते कब से परेशान कर रहा है पता है क्या आपको, कॉ 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 कितने 1 टेक 2 टेक कितना ले लिया मैंने, और मेरा हाथ दर्द करने लगा। तो चलो अभी बाद में मिलते। तो फ्रेंड्स अभी मैं निकल चुका हूँ ऐसे, मतलब अभी शाम के 4 बज रहे, तो ऐसे मैं 4 बजे घूमने के लिए निकलता हूँ रोज, कभी कभी साइकिल पे जाता हूँ, कभी कभी पैदल चलता हूँ, तो ऐसे ही मैं चलता हूँ। और इधर हमारे इधर ना बहुत ही मतलब ग्रीनरी है, आप लोग जिधर भी देखोगे बहुत ही ग्रीनरी है, मतलब ये गांव टाइप का शहर है, मतलब आप लोग सोचोगे मतलब बिल्डिंग बड़े बड़े घर भी है और विलेज टाइप का भी है, जैसे कि अगर आप लोग इधर देखोगे देखो पूरा विलेज टाइप का है, तो यू कैन सी। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग हमारे मेन रोड के पास पहुंच चुके हैं, वाड़ी से निकल के मतलब खेत से निकल के मेन रोड के पास पहुंच चुके हैं। और हमारा मेन रोड कुछ ऐसा है, इधर भी पूरी ग्रीनरी है क्योंकि विलेज टाइप का मतलब रोड है, मतलब आप लोग इसको विलेज भी कह सकते हो और अपना क्या बोलते हैं शहर भी कह सकते हो, क्योंकि इधर शहर की तरह भीड़ भी रहती है, मोटे बड़े बड़े मतलब बिल्डिंग वगैरह भी आगे है हमारे, इधर इस साइड नहीं है लेकिन बस। और यू कैन सी पूरा कैसा है, और ये इमली का पेड़ कितने सालों से पता है कि इधर बहुत 6 10 11 12 कितने सालों से मेरे को नहीं मालूम, मेरे मम्मी को मालूम होगा, अगर मालूम पड़ा तो इधर लिख के आ गया होगा कितने साल पुराना है, अगर नहीं मालूम पड़ा होगा तो नहीं आया होगा बस। ये देखो और ये सन देखो क्या मस्त लग रहा है, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, देखो इसके तो फोटो तो ऐसे बनता है निकलना का ऐसे करके ना ऐसे निकलना चाहिए, ये देखो। और मैं जो बोल रहा था इधर मतलब हमारे इधर फिश मार्केट रहता है शाम के टाइम पे, तो वो इधर रहता है, तो ये इसके सामने ये देखो मेन इधर, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं रहता, फिर 4-5 लोग आते मतलब फिश लेके और बैठते, फिर कभी कभी हमारी मम्मी लोग भी लेते,
तो दिखाता हूँ आज आएंगे तो बस जाए। तो अभी चलते घर पे, मेरा हाथ दर्द करने लगा फ्रेंड्स शूट करके एक हाथ से। और फ्रेंड्स ये अंकल हमको बुला रहे, अंकल फ्रेंड्स ये देख सकते हो, ये अंकल है हमारे। अंकल ने कितना मस्त डेकोरेशन किया इधर। तो फ्रेंड्स अंकल हाय बोला ना। हाय हाय। तुमने दुकान का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स ये अंकल का सिलाई का दुकान है, आपको दिखाता हूँ। देखो नेम, तो इधर से आप लोग कपड़े सिला सकते हो क्या? सी छोटा सा दुकान है अंकल का, मस्त फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये अंकल है हमारे, इधर से आप लोग कपड़े सिलाई कर सकते हो। अभी निकलते घर के लिए। तो फ्रेंड्स अभी शाम के ऑलमोस्ट 6 o'clock बज रहे और इधर पूरा छोटा सा फिश मार्केट लग चुका है। तो देखते हैं हम लोग, चलो। हाँ वीडियो टाक दो, हाँ यूट्यूबर टाक दो, यूट्यूबर हमारा टाक आ गया। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो इधर एक छोटा सा फिश का मार्केट लगता है मेरे इधर शाम के टाइम पे रोज। हाँ तो फ्रेंड्स आपको मैंने दिखाया इधर हमारे इधर का छोटा सा फिश मार्केट, तो कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आप लोग आओगे तो इधर सीधा ज्योति स्टॉप पे आपको ये मिल जाएगा, मतलब शाम के 6:30 के टाइम पे, नहीं तो 7 के टाइम पे, 8 बजे तक इधर वो लोग रहते, 7:30 बजे तक रहते। तो आप लोग आ सकते हो और खरीद सकते हो, मस्त आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी आ चुका है टाइम इस व्लॉग को एंड करने का, तो अभी एंड करते हैं इस व्लॉग को। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ऐसी अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने के लिए। और कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि हमारा ये पूरा मेरा गाँव हमारा विलेज कैसा लगा, कमेंट्स में जरूर से बताना, अच्छा लगा बुरा लगा कैसा लगा मेरे को कमेंट्स में बताना। तो फ्रेंड्स बाय।